पॉलिटिक्स का? देखिए मीशा जी, सबसे पहली बात जो हमें समझनी पड़ेगी, बम बुलेट और ब्लड, ये हमेशा वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स का पार्ट रहा है। ममता दी के आने के बाद कुछ खास नहीं बदला है। बीजेपी के वर्करों का मारना, बंदे को बीजेपी के ऑफिस के सामने पेड़ से फांसी लटका के टांगते हो ये दिखाने के लिए, हमने तुम्हें मारा नहीं है, तुम्हारे ऑफिस के सामने हमने टांग दिया। कल जेपी नड्डा जी जो रेड प्लस सिक्योरिटी रखते हैं, एक प्रोटोकॉल ऑफिसर नियुक्त होता है, कल घोष साहब ने जो बीजेपी के हेड है उन्होंने चिट्ठी लिखी, उसमें लिखा भाई परसों रैली हुई हमें सिक्योरिटी नहीं मिली, लोकल पुलिस का कवर नहीं है। उसके बावजूद उनपे कैलाश विजयवर्गीय जी पे ऐसा हमला होता है, उनकी सिक्योरिटी को ब्रीच किया जाता है, ये तब कहानी है जब वो जेड प्लस सिक्योरिटी वाले हैं। तो अब आप नॉर्मल कार्यकर्ता, नॉर्मल व्यक्ति है, एक बीजेपी के वर्कर या नेता होगा, लास्ट टाइम देखिए मैडम, सुमित एक पॉइंट का जवाब दे दीजिए। आपने कहा कि ममता सरकार के आने के बाद भी हालात कोई ज्यादा बदले नहीं, वैसा ही वो बुलेट वाली बात आपने कही, लड़ाई हिंसा की बात कही, तो अग्निमित्र पॉल को भी आपने सुना होगा, बीजेपी के नेता है, वो बदले की बात कर रही है, तो बदले वाला चरित्र जो है वो वेस्ट बंगाल में जाके क्या सभी नेताओं का हो जाएगा? मैडम देखिए, बदले की जो बात है वो है सेल्फ डिफेंस, बदला अलग चीज होती है, सेल्फ डिफेंस अलग चीज होती है, आप इनको मिक्स मत कीजिए, हो ही नहीं सकता, आप इन दो शब्दों को मिलाइए नहीं। बदला मींस रिवेंज, रिवेंज की बात कर रही है वो, नहीं रिवेंज गलत है मैडम, रिवेंज का कोई समर्थन नहीं है, कहीं से भी नहीं है। ठीक है, आप ये देखिए, अगर एक हाई प्रोफाइल बंदे के साथ ये हो सकता है, कॉमन आदमी की परिस्थिति क्या है, कंप्लीट लॉक एंड, ठीक है शुभांकर जी, कॉमन आदमी की क्या हैसियत रह जाएगी अगर जेपी नड्डा